हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरोज। मैं अपने चैनल पर लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड माय वीडियो। अगर मौसम में बदलाव आता है तो उसका सबसे बड़ा असर आपकी स्किन पर पड़ता है, खासकर विंटर सीजन में। विंटर सीजन आते ही हमारे स्किन डल पड़ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इन सब की वजह से हमारी स्किन बेजान दिखने लगती है। आज मैं एक ऐसे कोल्ड क्रीम के बारे में आपको बताने आई हूँ जो आपको इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और ये ऑल टाइप के स्किन के लिए सूटेबल है और डर्माटोलॉजिकली भी टेस्टेड है। यस, आपने बिल्कुल सही समझा। आज मैं एक कोल्ड क्रीम का रिव्यू लेकर आई हूँ, वो है अयूर हर्बल का कोल्ड क्रीम। इसकी प्राइस पड़ती है आपको 100 रुपीज। प्रोडक्ट की क्वांटिटी है 100 ml की। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी review_bits। आयुर हर्बल का ये कोल्ड क्रीम एलोवेरा और मधुमक्खी के मोम के अतिरिक्त गुणों से समृद्ध है। इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे विटामिन ई, रोज पेटल्स और एलोवेरा आपके स्किन को सर्दियों की चिंताओं से राहत दिलाने में हेल्प करती है। इस क्रीम का रिच क्रीमी फार्मूला मॉइस्चर लॉस को रोकने के लिए आपके स्किन पर लेयर बनाता है और स्किन को सॉफ्ट, हाइड्रेट और सफल बनाता है। साथ ही एजिंग प्रॉब्लम से भी आपकी स्किन को प्रिवेंट करता है। जहाँ तक इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो मुझे ये ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि यह क्रीम एक सफ़ेद टब में पैच खुले ढक्कन के साथ आती है। यह कोल्ड क्रीम ऑयल फ्री और नॉन स्टिकी है। यह कोई वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है, स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, चाहे ऑयली है, तो इसे कम अमाउंट में इसका यूज करें, क्योंकि यह एक मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में इस क्रीम का यूज करें। सर्दी की वजह से अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल, ड्राई हो जाए, तो आप उसका इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं तो इस क्रीम को 1 घंटे के अंतराल में यूज करें। 1 घंटा इस क्रीम को लगाएं, फिर 1 घंटे के बाद रीअप्लाई करें, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखाई देने लगेगा आपके स्किन पर। चलिए अब जान लेते हैं इसके लगाने के तरीके के बारे में, और ये जानते हैं कि इसे किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्किन को अच्छी तरह से साफ कर लें, उसके बाद थोड़े से अमाउंट में कोल्ड क्रीम को लें और सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपने फेस पर अप्लाई करें। कोल्ड क्रीम से आप अपने स्किन पर फेशियल मसाज भी कर सकते हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। अगर आपके आईज के नीचे रिंकल्स आ गए हैं तो आप थोड़े से अमाउंट में कोल्ड क्रीम लें और इस तरह से मसाज करें। ये मसाज कम से कम 2 से 3 मिनट तक करें। ठंड के दिनों में नेल्स के आसपास ड्राइनेस आ जाती है, अगर आप इस आयुर के कोल्ड क्रीम से मसाज करेंगे तो काफ़ी राहत मिलेगी। आपकी एरिया फट गई हो तो अपने एरिया को साफ कर लें और इस कोल्ड क्रीम को अच्छी तरह से लगा करके और सॉक्स पहन लें रात के टाइम में, आपकी एरियों में काफ़ी राहत मिलेगी। मेन लोग जो शेविंग करते हैं उसके बाद जो स्किन ड्राई हो जाती है, तो अगर इस कोल्ड क्रीम का यूज करेंगे तो स्किन को काफ़ी राहत मिलेगी। आप इस कोल्ड क्रीम का यूज फेस, लेग और हैंड पर कर सकते हैं। ये कोल्ड क्रीम काफ़ी अच्छा है, ये पैसा वसूल कोल्ड क्रीम है, बजट फ्रेंडली कोल्ड क्रीम है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको कह सकती हूँ ये काफ़ी अच्छा कोल्ड क्रीम है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन या ऑयली स्किन है तो पैच टेस्ट कर ही इसका यूज करें। आपने वीडियो में आगे देखा ही होगा कि कंटेनर में हाफ कोल्ड क्रीम बचा हुआ है, मैं इस कोल्ड क्रीम को यूज करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव कोल्ड क्रीम है। आप इसे अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज कर सकते हो, परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर मुझे बताएं कि ये कोल्ड क्रीम आपको कैसा लगा, और आप में से कितने ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जो इस कोल्ड क्रीम का यूज कर चुके हैं, प्लीज़ कमेंट कर बताएं। इसे मेन और वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। ओह, मैं तो आप लोगों को ज़रूरी बातें बताना ही भूल गई कि आप लोग इसे प्राइमर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और हल्के फुल्के मेकअप को रिमूव करने के लिए मेकअप रिमूवर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।